नागपुर में 25वां जीवन विद्या वार्षिक सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। आज 25वें प्रत्यक्ष सम्मेलन में शामिल होते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। विगत 30 वर्षों से देश भर के मध्यस्थ दर्शन के जिज्ञासु अध्ययनकर्ता प्रतिवर्ष जीवन विद्या सम्मेलन का आयोजन करते हैं। नागपुर में महाराष्ट्र अध्ययनशील परिवार समूह द्वारा जीवन विद्या वार्षिक सम्मेलन का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। लगभग 5 दशक पूर्व वर्ष 1972 में नागराज जी के माध्यम से मानव जाति को मध्यस्थ दर्शन के रूप में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हेतु विकल्प मिला। इस दर्शन के लोक व्यापीकरण में नागराज जी ने लगभग 4 दशक से अधिक का समय जिज्ञासुओं को अध्ययन कराने में लगाया। जीवन विद्या सम्मेलन के आयोजन के इतिहास पर रण सिंह भैया ने चर्चा की। 1993 में मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद का जो पहला केंद्र है वो गोविंदपुर बना के 1988 तक हम जो लोग थे, जो IIT दिल्ली में कुछ लोग थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग थे, किसान आंदोलन से जुड़े लोग थे, कई साधनाओं से जुड़े लोग थे, तो हमारा एक अच्छा समूह था। और 1988 से पहले 30 वर्षों में हम लोगों ने जितना चाहा हम उससे ज़्यादा मिला। शिक्षा और सार्वभौम व्यवस्था के संदर्भ में साधन भैया ने कृतज्ञता के महत्व को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। मैं उन सुपथ प्रदर्शकों की वंदना करता हूँ जिनसे यथार्थता के स्रोत आज भी जीवित हैं। यथार्थता के स्रोत क्या होंगे? कुछ चीजें हैं जिसको मानव जाति ने पा लिया है कि वो सार्वभौम हैं और सार्वकालिक हैं। वो चीजें निरंतर बनी रहेगी, उसकी परंपरा बनी रहेगी, तो मानव जाति उसकी कृतज्ञ होगी ही होगी। परंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए, सार्वभौम और सार्वकालिक वस्तु तक पहुँचने के लिए भी कुछ अनिवार्य कदम होते हैं। आदरणीय अम्बा दीदी ने श्रद्धेय बाबा जी के संपर्क में आए पुराने साथियों का स्मरण करते हुए दर्शन के लोक व्यापीकरण में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। भाई बहन जो सशरीर हमारे साथ नहीं है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर कृतज्ञता का भाव है। सम्मेलन में कुल 12 सत्रों में मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में मानवीय शिक्षा का सार्वभौम स्वरूप विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। विद्यालय 4 सूत्रों से है, अभिभावक है, शिक्षक है, समाज है और विद्यार्थी है। उसमें से विद्यार्थी न्याय का याचक पहले ही है। विद्यार्थी स्कूल में सीखने के लिए ही आता है, पढ़ने के लिए ही आता है, उसको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। दो सूत्र, शिक्षक और अभिभावक, ये दो सूत्र मान्यताओं के साथ सूत्रित होना, यह एक आवश्यक मुद्दा मुझको लगता है। प्रौढ़ शोधकर्ता प्रस्तुति के तहत राकेश गुप्ता भाई ने अपने लगभग 20 वर्ष के अनुभव को साझा किया। 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का एक स्वरूप बताया गया है जिसमें स्वनियंत्रण पूर्वक जीने के स्वरूप का वर्णन है। तो कुल मिला के यहाँ पर हुआ ये है कि राज्य और धर्म गद्दी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको परिवार में इंक्लूड किया गया है और उनको 10 स्टेजेस के अंदर पहचाना गया है। स्वराज्य का मतलब स्वराज्य कहाँ पर होगा? परिवार में स्वराज्य होगा। तो परिवार में धर्म और राज्य की गद्दियों के जो रोल्स थे उनको अब परिवार में इंटीग्रेट करना है। परिवार में ही सभा होगी, है ना, परिवार में ही व्यवहार होगा, परिवार में ही न्याय होगा। तो इस प्रकार से परिवार को व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में पहचान कर स्वनियंत्रण पूर्वक जो है व्यवस्था को पहचानने का समीकरण करने का एक विजन प्रस्तुत किया गया है। सम्मेलन के अंतिम दिन
सोम भैया ने वैश्विक स्थिति की चर्चा करते हुए मध्यस्थ दर्शन की वर्तमान दौर में प्रासंगिकता पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। मानवीय संबंध और विवाह की लॉन्गिविटी और संबंध की समझ की बात कहें तो उतना बड़ा शून्य पूरे विश्व में है। तो आज पूरे देश में, लगभग पूरे विश्व में एक लहर जैसा ही है कि शादी ना करने वाला जो मामला है। तो शादी करना और जिंदगी का पर्पस शायद कोई एक ही चीज है, तो आज विवाह के स्थायित्व को जैसा मध्यस्थ दर्शन स्थापित कर सकता है, मुझको लगता है इसका अब कोई और विकल्प बचा नहीं। मंच चर्चा के अंतिम वक्ता के रूप में श्री राम भैया ने मध्यस्थ दर्शन की शुद्धता को बनाए रखने का आह्वान किया। एक तो समिंग अप तीन मुद्दे समझ में आते हैं, जीवन ज्ञान से व्यवस्था होता है, दूसरा जीवन ज्ञान के लिए अध्ययन अभ्यास और दृष्टि में गुणात्मक परिवर्तन से साक्षात्कार की आवश्यकता है, ये हमारे ध्यान में बना रहे, तीसरा दर्शन इसके लिए दर्शन का स्रोत और दर्शन की वस्तु को जैसा है वैसे ही हम बना रहे। चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से सभी प्रतिभागियों को अपनी प्रस्तुतियों से हर्षोल्लास से प्रफुल्लित कर दिया। जीवन